गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर वन, पेज नंबर 33 और हमारी हेडिंग है पोल्ट्री ब्रीड्स। इन इंडिया अवेलेबल पोल्ट्री ब्रीड्स आर इंक्लूड इन फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। देखिए पोल्ट्री ब्रीड्स जो हैं आपकी इंक्लूड करती हैं थ्री कैटेगरीज। नंबर वन है देसी और इंडिजीनियस ब्रीड्स। वी हैव ओनली फोर प्योर ब्रीड ऑफ इंडिजीनियस और देसी फॉल। देखिए इंडिजीनियस के अंदर आपकी चार प्योर ब्रीड जो हैं आपकी इंक्लूड होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? दे आर एसील, चिटागोंग, गैगस और बुसरा। एसील और इंडियन गेम इज मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ इंडिया एंड सिलेक्टेड फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए ये जो आपकी दो ब्रीड हैं ये मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है इंडिया के लिए, जो आपकी सिलेक्टेड होती हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। दिस ब्रीड प्रोवाइड हाई यील्ड ऑफ मीट एंड आल्सो इज ए गुड एग लेयर। ये जो ब्रीड है आपकी प्रोवाइड करती है क्या? ज्यादा से ज्यादा मीट और आपके कैसे एग जो होते हैं इनके बहुत अच्छे होते हैं। द एवरेज वेट ऑफ कॉक वेरीज। इनका जो वेट होता है 4 से 5 किलो होता है और हैंस का जो होता है 3 से 4 किलो होता है। दे ऑकर ओनली फोर पॉपुलर वेराइटीज एसील नेमली। ये आपकी फोर पॉपुलर वैरायटीज होती हैं जिनके नाम है पीला, याकूब, न्यूरी और काजल। ये आपके क्या है बेटा? चार पॉपुलर वैरायटीज हैं एसील के जिनके ये नाम है। द इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री आर हार्डी एंड पजेस नेचुरल इम्यूनिटी। देखिए जो इंडिजीनियस ब्रीड होती हैं आपकी वो हार्डी होती हैं। हार्डी मीन्स स्ट्रांग होती हैं। इनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का मीन्स होता है बेटा रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने देखा है कुछ एनिमल्स जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ जो होते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो इनके पास नेचुरली इम्यूनिटी होती है अगेंस्ट कॉमन डिजीज, जो कॉमन डिजीज होती है उसके अगेंस्ट। दैट इज, अब ये हमारी होगी इनकी एडवांटेज। अब आती है डिसएडवांटेज। देसी हैंस की डिसएडवांटेज क्या होती है? इनका साइज जो होता है स्मॉल होता है। दे आर स्लो ग्रोइंग होती हैं। थर्ड, इनके जो लेस नंबर ऑफ एग, मतलब ये कम अंडे आपके क्या करती हैं, ले करती हैं। जैसे कि 60 एग पर ईयर, ये आपके एक साल में 60 अंडे देती हैं। फोर्थ, दे प्रोड्यूस स्मॉल साइज एग। देखिए ये जो आपके एग देती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। सेकेंड हेडिंग है हमारी एक्सोटिक ब्रीड। एक्जोटिक ब्रीड्स मीन वेराइटी ऑफ अदर कंट्रीज और फॉरन ब्रीड। देखिए एक्जोटिक का मीन्स होता है क्या, वेराइटी अदर कंट्रीज की और फॉरन ब्रीड्स की। दे आर प्रेजेंट न्यूमरस एक्जोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री विच हैव बीन सक्सेसफुली एसिमिलेटेड इन इंडिया। द फॉलोइंग टू एक्जोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री आर मोस्ट पॉपुलर यूज इन कंट्री। देखिए ये तो आपकी इंडिजीनियस देसी ब्रीड थी, अब बात आती है आपकी एक्सोटिक ब्रीड की। ये वेराइटीज होती हैं अदर कंट्रीज की, फॉरन कंट्रीज की। इसमें आपकी क्या है, मोस्ट पॉपुलर जो ब्रीड है वो आपकी दी गई है। नंबर वन है वाइट लेग हॉर्न। दिस वेरी पॉपुलर एक्सोटिक ब्रीड ऑफ फाउल प्रोड्यूस लॉन्ग वाइट एग। ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्या है, आपकी एक्सोटिक ब्रीड है जो प्रोड्यूस करती है आपकी लॉन्ग वाइट एग, मतलब कि जो इनके एग होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। सिंस वाइट लेग हॉर्न हैज स्मॉल बॉडी साइज, इसका जो बॉडी का साइज होता है वो स्मॉल होता है, 2.7 kg टू कोक का होता है, 2.0 kg होता है हैन का। सो नीड लेस फीड, जब इनका साइज छोटा होता है तो इन्हें खाने की जरूरत भी कम होती है। फॉर इट्स मेंटेनेंस दस इट्स फार्मिंग प्रूव क्वाइट इकोनॉमिकली। देखिए इनका साइज छोटे होने की वजह से इनका जो इकोनॉमिकल जो होती है कंडीशन वो इनकी कम होती है, मतलब इनका मेंटेनेंस चार्ज जो होता है बहुत लो होता है, इन्हें खाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड है रोड आइसलैंड ब्रीड। दिस ब्रीड ऑफ फाउल वॉज डेवलप ऑन द फार्म ऑफ रोडे आइसलैंड। ये जो ब्रीड थी आपकी डेवलप हुई थी रोडे आइसलैंड में, यूएसए में। दिस इज अ ड्यूअल टाइप ऑफ ब्रीड, ये आपकी ड्यूअल टाइप की ब्रीड है। इट इज अ फेयरली गुड एग, इसके जो अंडे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आल्सो मीट यील्डिंग, ये आपकी मीट यील्डिंग भी होती है। सम अदर एक्सोटिक ब्रीड ऑफ फाउल इन आवर कंट्री आर ब्लैक मिनॉर्चा, प्लाईमाउथ, लाइट सोसेक्स। ये आपकी क्या है और आपकी ब्रीड हैं जो आपकी एक्सोटिक ब्रीड हैं हमारी कंट्री में पाई जाती हैं। तो जो आपकी देसी ब्रीड का डिफरेंस आपको पता चला और एक्सोटिक ब्रीड का, इनके डायग्राम भी दिए गए हैं। देखिए ये आपकी लाइट सक्सेक, वाइट लेगोन, बैरेट प्लायमाउथ, ब्लैक नॉर्चा, ये आपके ब्रीड हैं। थर्ड है क्रॉस ब्रीड और इम्प्रूव ब्रीड ऑफ
पोल्ट्री, ये आपकी आती है क्रॉस ब्रीड और आपकी इम्प्रूव ब्रीड। द मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट डे चिकन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट आर क्रॉस ब्रीड ब्लॉक इन इंडिया। नंबर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम आर गोइंग ऑन टू प्रोड्यूस इम्प्रूव क्वालिटी कमर्शियल एग लेयर एंड ब्रॉयलर थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग। सम इम्प्रूव क्रॉस ब्रीड स्ट्रेन्स ऑफ फाउल आर HS26, IBL80, B77, ILS82। देखिए प्रेजेंट डे में चिकन और आपका जो प्रोडक्शन है एग का, उसे बढ़ाने के लिए क्रॉस ब्रीड कराया गया। तो इंडिया में कुछ रिसर्च प्रोग्राम होते हैं जो इसके आपके क्वालिटी, जो आपकी एग की क्वालिटी प्लस आपकी मीट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए सम इम्प्रूव क्रॉस ब्रीड जो है आपकी फाउल की, वो है HS26, IBL80, B77, ILS82। इनमें जो होता है एग लेइंग भी इनकी बहुत अच्छी होती है, प्लस इनके जो मीट का रेशो होता है वो भी ज्यादा होता है। तो ये आपकी क्या थी, ब्रीड थी किसकी, फाउल की, जो आपकी एग लेइंग और मीट के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ ब्रीड्स में क्या था, साइज छोटा होने की वजह से उनका मेंटेनेंस चार्ज कम होता है। तो ये आपके ब्रीड्स हैं, पोल्ट्री ब्रीड्स।